बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के एक शहर में स्नेहा अपनी सौतेली माँ सरस्वती और पिताजी रामकिशन के साथ में रहती थी। स्नेहा एक बहुत ही शांत और नेक दिल की लड़की थी। उसमें बस एक ही कमी थी, वो था उसका काला रंग। स्नेहा के काले रंग की वजह से सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। कोई स्नेहा को काला भालू तो कोई कल्लू माई कहकर उसका मजाक उड़ाया करता था। स्नेहा की सौतेली माँ सरस्वती स्नेहा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। स्नेहा की सगी माँ के गुजर जाने के बाद स्नेहा की सौतेली माँ ने ही स्नेहा का पालन पोषण किया था। गांव मोहल्ले के सभी बच्चे जब कभी भी स्नेहा का उसके काले रंग की वजह से मजाक उड़ाते तो उसकी सौतेली माँ उसको अपने गले से लगाकर समझाया करती थी कि रंग रूप सब ऊपर वाले की देन है, इंसान की पहचान तो उसके अच्छे कर्मों से होती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन, प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल में क्रिसमस ट्री के मौके पर सभी बच्चों के लिए एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। इस फंक्शन में सभी बच्चे अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनकर आएंगे। क्लास के सभी बच्चे आपस में डिवाइड होकर टू टू का पैर बना ले। हर ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए जो अपनी एक परफॉर्मेंस तैयार कर ले। इतना कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है और क्लास के सभी बच्चे आपस में बात करने में लग जाते हैं। कोई कहता है कि मैं तो हाई हील्स के सैंडल और उस पर एक सुंदर सा गाउन पहनकर आऊंगी, तो कोई कहता है मेरे पिताजी मेरे लिए मुंबई से एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आए थे, मैं वही पहनकर आऊंगी। लड़के भी आपस में बात करने में लगे हुए थे। मैं उस लड़की के साथ परफॉर्मेंस करूंगा जो क्लास में सबसे सुंदर होगी। ऐसे ही तरह तरह की बातें हो रही थी, परंतु स्नेहा क्लास में अकेले ही बैठी बैठी कुछ सोच रही थी कि उसके पास ना तो पहनने के लिए ज्यादा सुंदर कपड़े हैं और ना ही कोई लड़का उसका काला रंग देखकर उसके साथ पैर बनाएगा। स्नेहा की क्लास की सबसे सुंदर लड़की रिमझिम कहती है, मुझे तो पता है स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का रोहन तो पक्का मेरे साथ ही पैर बनाएगा। हम दोनों कपल डांस में कितने सुंदर लगेंगे, मैं तो सोच सोच कर अभी से पागल हो रही हूँ। स्नेहा से कोई भी क्लास का लड़का बात नहीं कर रहा था तो वो बेचारी उदास होकर क्लास से बाहर जा रही होती है कि तभी रोहन उसे रोक लेता है। अरे स्नेहा, तुम अकेली कहाँ पर जा रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ हाँ रोहन, क्यों नहीं। रोहन और स्नेहा को इस तरह बातें करता देख रिमझिम को जलन होने लगती है। उसके बाद रोहन और स्नेहा जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। रोहन पूरे स्कूल में सबसे हैंडसम और डैशिंग लड़का था। स्कूल की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी। रोहन हैंडसम और डैशिंग होने के साथ साथ दिल का बहुत ही साफ लड़का भी था। वो जानता था कि कोई भी लड़का स्नेहा के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए वो खुद ही स्नेहा के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता था। परंतु कहीं ना कहीं रोहन को भी स्नेहा से बात करने में डर लग रहा था। रोहन, तुम इतनी देर से मेरे साथ बैठे हो और कुछ बोलते भी नहीं हो, अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बिना डरे बोल सकते हो। नहीं नहीं स्नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे केवल एनुअल फंक्शन के बारे में ही बात करने आया था। नहीं, मैं उस दिन छुट्टी पर रहूंगी, मेरा एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं है। लेकिन क्यों स्नेहा, तुम तो बहुत अच्छा डांस जानती हो, मुझे तो लगता है कि इस बार एनुअल डे की ट्रॉफी तुम्हारे ही हाथ आने वाली है। डांस तो मैं जानती हूँ, परंतु तुम नहीं समझ सकते रोहन, बात केवल डांस की नहीं है, मेरे साथ पैर बनाने के लिए एक लड़का भी तो चाहिए। मुझ जैसी काली लड़की के साथ आखिर कौन सा लड़का पार्टिसिपेट करना चाहेगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो स्नेहा, काले रंग गोरे रंग से क्या कोई सुंदर बन जाता है? असली सुंदरता तो इंसान के शब्दों में होती है।
और उसके बोलचाल में होती है। स्नेहा रोहन की ये सब बातें सुनकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और स्नेहा को रोहन से प्यार होने लगता है। अरे तुम कहाँ खो गई स्नेहा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पसंद करोगी? हाँ रोहन, मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करती हैं और छुट्टी होते ही दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद स्नेहा का मन अभी भी रोहन के साथ लगा होता है। वो रोहन की सभी मीठी मीठी बातें याद कर रही होती है। स्नेहा के दिल में रोहन के प्रति प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था और अब उसे सिर्फ रोहन ही रोहन दिखाई दे रहा था। स्नेहा बेटा, तुम कहाँ खो गई हो, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, आज स्कूल का दिन कैसा गया? कहीं नहीं माँ, मैं बस स्कूल में आयोजित किए जा रहे फंक्शन के बारे में सोच रही थी। माँ आपको पता है, हमारे स्कूल का एक लड़का रोहन मेरे साथ एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने तो सोच लिया है कि इस बार मैं डांस में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। माँ मेरी अलमारी में जो गाउन है ना, जो पिताजी मेरे लिए पिछले साल जन्मदिन पर लाए थे, उसे प्रेस करके रख दीजिएगा। और हाँ, मेरे स्कूल के शूज भी धो दीजिएगा, मैं वही पहनकर फंक्शन में चली जाऊंगी। स्नेहा की माँ जानती थी कि स्नेहा को एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट करने के लिए एक नए गाउन की आवश्यकता है, परंतु वो अपने पिताजी की कमाई और घर की आर्थिक स्थिति देखकर ये बात नहीं बोलती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं सभी चीज तैयार रखूंगी, तुम केवल अपनी डांस प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इतना कहकर सरस्वती वहाँ से चली जाती है, परंतु सरस्वती मन ही मन ये सोच लेती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक गाउन और एक सैंडल जरूर लेकर आएगी। सरस्वती ने अपने रोज के खर्चों में से कुछ रुपए बचा कर रखे थे। सरस्वती उन रुपयों को लेकर मार्केट में स्नेहा के लिए एक सुंदर सा गाउन लेने के लिए चली जाती है। सरस्वती को बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन देखने को मिलते हैं, परंतु शहर के इतने महंगे रेट्स की वजह से वो उन्हें नहीं खरीद पाती। सरस्वती एक बहुत बड़े शोरूम के बाहर खड़े होकर एक सुंदर से गाउन को देख रही होती है कि तभी उस शोरूम का मालिक बाहर निकलकर सरस्वती को डांटने लगता है। मैं तुझे पिछले 10 मिनट से देख रहा हूँ कि तू यही खड़ी होकर मेरी दुकान पर नजर बनाए हुए है, मुझे तो तू कोई चोर उचक्की लगती है, जरूर तेरा इरादा मेरी दुकान से चोरी करने का है, रुक अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं तो केवल अपनी बेटी के लिए सुंदर सा गाउन देख रही थी, ये देखिए मेरे पास रुपए भी है। ये क्या, तू तो केवल 500 रुपए लेकर आई है, 500 में तो हमारे शोरूम में एक रुमाल भी नहीं मिलता, ये तो फिर भी पूरे 10,000 रुपए का गाउन है। माफ कीजिए सरकार, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, कृपया पुलिस को ना बुलाइए। वो सेठ सरस्वती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और सरस्वती चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सरस्वती बहुत उदास होकर बैठी होती है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर अगले दिन सरस्वती एक सुनार के पास 10,000 रुपए उधार लेने के लिए पहुँच जाती है। सेठ जी, आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे दीजिए, मैं अगले 6 महीने में आपके रुपए सूद समेत लौटा दूंगी। क्यों नहीं, कोई गारंटी लाई हो? सेठ जी, गारंटी तो नहीं है, परंतु मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके रुपए सही समय पर लौटा दूंगी। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, वाह भाई वाह, मैं तुझे उधार दे दूँ, तेरे जैसे 36 आते हैं यहाँ, चुपचाप सीधे तरीके से बाहर निकल जा, नहीं तो मेरे आदमी तुझे धक्के मार कर बाहर कर देंगे। सरस्वती सेठ के पास से भी उदास मन से वापस आ जाती है। फिर सरस्वती घर की तरफ उसे शोरूम के यहाँ से गुजर रही होती है, तभी सरस्वती को शोरूम के मालिक का एक सूटकेस गिरा हुआ दिखाई देता है।
सरस्वती पास जाकर देखती है तो वो सूटकेस नोटों के बंडलों से भरा हुआ था। इतने सारे रुपए देखकर एक पल के लिए सरस्वती को बहुत खुशी होती है, परंतु सरस्वती एक ईमानदार औरत थी। वो ये रुपए सेठ को वापस लौटाने की सोचती है। फिर सरस्वती गाड़ी का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है, जहां सेठ अपनी बीवी के साथ बैठकर रो रहा था। सेठ जी, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? अरे बहन, मेरा रुपए से भरा एक सूटकेस कहीं रास्ते में गिर गया और मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें अभी पूरे 1,00,000 रुपए की जरूरत है। अब मैं इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करके कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये लीजिए सेठ जी, ये आपका सूटकेस कार से बाहर गिर गया था। ये रुपया लो और अपने बेटे का इलाज करवा लो। सेठ अपने रुपए वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सरस्वती का धन्यवाद देने लगता है। सेठ जी, पहले जाकर आप रुपए जमा करा दीजिए। पहले आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मुझे धन्यवाद दे दीजिएगा। उसके बाद सेठ वो सूटकेस लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है और सरस्वती भी वहीं बैठकर सेठ के आने का इंतजार करती है। सेठ समय पर रुपए जमा करा देता है और उसके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये सब देखकर सेठ और उसकी बीवी दोनों सरस्वती का धन्यवाद करने लगते हैं। सरस्वती बहन, आज अगर समय पर आकर तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए होते तो आज कुछ अनर्थ हो जाता। मुझे याद है, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तुम्हें अपनी दुकान से वो गाउन गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इतना कहकर सरस्वती वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बेंच पर उदास होकर बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। अरे क्या बात है सरस्वती, तुम इतनी उदास क्यों हो? परी को देखकर सरस्वती बहुत हैरान हो जाती है। अरे डरो मत, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैंने वो सब कुछ देखा कि तुमने किस तरह लालच ना करते हुए उस सेठ के रुपए उसे वापस कर दिए। बताओ मुझे, तुम्हारी क्या परेशानी है? उसके बाद सरस्वती परी को अपने घर के हालात, साथ ही गाउन और सैंडल के बारे में भी बता देती है। तभी परी अपने जादू से वहाँ पर एक गाउन और सैंडल प्रकट कर देती है और सरस्वती से कहती है, ये लो, ये एक जादुई गाउन और सैंडल है। ये दोनों तुम अपनी बेटी को दे देना और फिर इसका चमत्कार देखना। ये सुनकर सरस्वती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करती है। उसके बाद सरस्वती वो जादुई गाउन और सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है। स्नेहा बेटा, ये देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। वाह माँ, ये तो ब्रांडेड गाउन और सैंडल है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इतना सुंदर गाउन और सैंडल मेरे लिए लाई हो। हाँ बेटी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और अब तुम ये गाउन पहनकर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। स्नेहा वो गाउन और सैंडल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर स्नेहा उस गाउन और सैंडल को पहनकर देखने लगती है कि तभी एक जादू होता है और वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है। ये देखकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो स्नेहा को परी के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद अगली सुबह स्नेहा वो गाउन और सैंडल पहनकर तैयार होकर एनुअल डे में पार्टिसिपेट करने चली जाती है। वहाँ फंक्शन में रोहन और स्नेहा अपनी परफॉर्मेंस देकर सभी ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं और कपल्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लेते हैं। फंक्शन के बाद रोहन स्नेहा से कहता है,
स्नेहा, मैंने तुमसे फंक्शन में नहीं पूछा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? उसके बाद स्नेहा रोहन को परी के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर कुछ दिनों के बाद जादुई गाउन और सैंडल की वजह से स्नेहा और उसके माता पिता बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। साथ ही स्कूल में सभी लड़के और लड़कियां स्नेहा को पसंद करने लगते हैं और सभी लोग उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिमझिम को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही धीरे धीरे रोहन को भी स्नेहा से प्यार होने लगता है और एक दिन स्कूल के पार्क में रोहन स्नेहा को प्रपोज कर देता है। स्नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ रोहन, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर ठीक है, हम अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी कर लेंगे। इस तरह वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद रोहन और स्नेहा शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। ये कहानी सदियों पुरानी है। एक छोटे से गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपनी सात बेटियों के साथ रहती थी। मनोरमा की सभी बेटियों को खाने का बहुत शौक था और वो सातों हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचा करती थी। दूसरी तरफ ज्यादा खाना खाने की वजह से वो सातों बहुत ही मोटी और आलसी हो गई थी। सातों बहनें पूरा दिन बस टीवी के सामने बैठकर खाना ही खाया करती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उनकी बेचारी बूढ़ी माँ को ही बाहर का और साथ ही घर का भी सारा काम करना पड़ता था। इसी वजह से उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। साथ ही वो बूढ़ी माँ हमेशा अपने सातों बेटियों के भविष्य के बारे में परेशान रहती थी। फिर एक दिन वो अपनी बेटियों से बोली, इस बुढ़ापे में मैं सारा दिन खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाती हूँ और तुम सभी सारे पैसे अपने खाने में ही खर्च कर देती हो। साथ ही तुम सातों घर का कोई काम भी नहीं करती हो, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। कम से कम इस बुढ़िया का तो ख्याल करो। तुम सबको मेरे साथ खेतों में काम करके अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम सबको तो जरा भी शर्म नहीं आती। अरे माँ, अब फिर से शुरू हो गई। चुप रहो, अरे मेरे कान दुख रही हैं। सुनो माँ, तुम्हारा ये रोज रोज का भाषण सुनकर हमारा सर दुखने लगता है। जाओ जल्दी खेत में काम के लिए, देर हो रही हो आप। हे ऊपर वाले, लगता है तूने ये सात सात बेटियाँ देकर मेरी जिंदगी नरक बना दी। ये सभी बहुत ही मतलबी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे इन्हें पालना ही पड़ेगा। पता नहीं जब मैं नहीं रहूँगी तो इन सातों काम चोरों का क्या होगा। इसी तरह जब भी मनोरमा उन्हें कुछ भी समझाती तो वो सातों बहनें हमेशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। उसके बाद मनोरमा खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। इस तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन उन सातों बहनों की खाने की आदत और आलस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। फिर एक दिन अचानक बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजलियाँ भी कड़कने लगती हैं, लेकिन फिर भी बेचारी मनोरमा को खेतों में काम करना पड़ता है कि तभी काम करते समय मनोरमा के ऊपर बिजली गिर जाती है। इतनी खतरनाक बिजली से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मनोरमा के मरने के बाद उसकी सभी सातों बेटियों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो सभी एक नंबर की आलसी और कामचोर थीं और उनका भूख से बुरा हाल था। फिर वो सातों लड़कियाँ अपनी भूख को शांत करने के लिए लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भीख नहीं देता है। जब से हमारी माँ मरी है तब से हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हम तो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, हमें खाना कहाँ से मिलेगा, अब तो हम भूखी ही मर जाएंगी। चलो पास के जंगल में चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ पर फलों के बहुत सारे पेड़ हैं।
अरे हाँ 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 जल्दी चलो, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके बाद वो सातो बहनें पास के जंगल की ओर जाने लगती हैं। जब वो जंगल में पहुंचती हैं, तो उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। तो वो सभी बहनें उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वो पेड़ उनसे बोलने लगता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम सबकी बुरी हालत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद वो जादुई पेड़ सातों बहनों के सामने कुछ फल गिरा देता है और कहता है, ये सारे जादुई फल हैं, इन्हें तुम खा लो, उसके बाद तुम सभी के पास 7 जादुई साड़ी आ जाएंगी, जिससे तुम जब चाहे तब ढेर सारा खाना प्रकट करके खा सकती हो। ये सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और उसके बाद वो एक एक करके सारे फल खाने लगती हैं। सारे फल खाने के बाद अगले ही पल उन सातों के पास जादुई साड़ियाँ आ जाती हैं और वो सभी परियों की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। ये चमत्कार देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद वो सभी उस जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने गांव वापस लौटने के लिए निकल जाती हैं। फिर अगले दिन से वो सभी बहनें अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से ढेर सारा खाना प्रकट करती हैं और पूरा दिन अच्छे अच्छे खाने मंगा कर उन्हें खाने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सभी अपने घर के बगीचे में स्वादिष्ट खाना खा रही थी, तभी वहाँ से एक छोटा सा भीख मांगने वाला लड़का जा रहा था, जो कि कई दिनों से भूखा था। जब वो उनके घर के पास आता है और इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, तभी वो उन सातों बहनों के पास खाना मांगने के लिए जाता है। दीदी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, दया करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे अरे, तू कौन है और हमारे घर के अंदर कैसे घुस गया? अगर तूने खाना नहीं खाया तो हम क्या करें? हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे, यहाँ खड़े होकर हमारे खाने को नजर लगा रहा है, चल इसी वक्त भाग जा, वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूँगी। प्लीज दीदी, दया करके मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे, एक बार कह दिया ना नहीं देंगे खाना, तो चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं जाता और उनसे खाना मांगने के लिए मिन्नतें करने लगता है। ये देख उन सभी बहनों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दीदी दीदी, मुझे छक्के आ रही है, मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो, प्लीज दीदी, दे दो ना दीदी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, चलो बहनों शुरू हो जाओ। उसके बाद वो सभी बहनें मिलकर उस छोटे लड़के की पिटाई करने लगती हैं। तभी ये सब कुछ उनके पड़ोस में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की देख लेती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो जल्दी से दौड़ती हुई उनके घर पर आ जाती है और उस छोटे से गरीब लड़के को उन बहनों से छुड़ा लेती है। तुम सब मिलकर इस गरीब और मासूम लड़के को मार रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये बेचारा तुमसे थोड़ा सा खाना ही तो मांग रहा है। हाँ तो ये मांगेगा और हम खाना इसे दे देंगे, अगर तुझे इतना ही शौक है तो इसे अपने घर पर लेकर जा और जितना खिलाना है उतना खिला। तभी वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सभी लोग शिवानी की बात से सहमति जताते हुए उन सभी बहनों को भला बुरा कहने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग उन्हें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिवानी उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है। अरे बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं और तुम भीख क्यों मांग रहे हो? दीदी, मैं जब 3 साल का था तभी मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ।
अब से तुम और मैं अनाथ नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। चलो अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो गरीब लड़का बहुत खुश होता है और आराम से वहाँ पर बैठ जाता है। फिर शिवानी उसे खाना देती है और वो भर पेट खाना खाता है। यहाँ दूसरी तरफ उन सभी बहनों को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज इन गांव वालों ने हमें बहुत भला बुरा कहा है, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो जादुई साड़ी है इससे तो सिर्फ खाना ही प्रकट किया जा सकता है। चलो हम सब एक काम करते हैं, उस जादुई पेड़ के पास चलते हैं और उससे और भी जादुई फल मांगकर खा लेंगे, ताकि हमारे पास और भी जादुई साड़ियाँ आ जाएं। उसके बाद हम इन गांव वालों को सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। फिर वो सातों बहनें फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। सुनो जादुई पेड़, हमें गांव के लोगों को सबक सिखाना है, इसीलिए तुम हमें ऐसी जादुई साड़ियाँ दो जिससे हम गांव वालों की पिटाई कर सके, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत भला बुरा कहा है। अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैं लोगों के अच्छे कामों में मदद करता हूँ, बुरे में नहीं। मैं इस बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम सब यहाँ से वापस चली जाओ। पेड़ की ये बात सुनकर उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये जादुई पेड़ तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, चलो हम इसे ही काट कर फेंक देते हैं। फिर वो सातों बहनें उस जादुई पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जादुई पेड़ को छूने जाती हैं, कि तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो सभी जमीन पर मुंह के बल गिर जाती हैं। मैंने तुम सबकी मदद करके बहुत बड़ी भूल कर दी, तुम सब बहुत ही मतलबी और जालिम हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जादुई पेड़ उन सातों बहनों पर ढेर सारे पत्थरों की बारिश करने लगता है। आ आ, अरे मर गई रे, मेरा सर फूट गया, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे मेरी टांग टूट गई, कोई तो बचाओ मुझे, अरे उठाओ मुझे। फिर वो जादुई पेड़ उन सभी बहनों की जादुई साड़ियाँ छीन कर उन्हें पहले की तरह मोटी और बदसूरत कर देता है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। फिर वो सभी बहनें जादुई पेड़ से डर कर वहाँ से भागने लगती हैं। फिर जादुई पेड़ अपनी आँखें बंद करके शिवानी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर के सामने एक जादुई साड़ी और खजाने से भरा एक बक्सा प्रकट कर देता है। फिर शिवानी जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो इतना सारा खजाना और साड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सुंदर सी साड़ी किसकी है और ये इतना सारा खजाना, चलो इसे अंदर लेकर चलती हूँ। फिर शिवानी वो साड़ी और खजाना लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। ये देखो भाई, मुझे घर के बाहर ये सुंदर सी साड़ी और इतना सारा खजाना मिला है, पता नहीं ये किसका है। शिवानी के इतना बोलते ही वो जादुई साड़ी बोलने लगती है। हेलो शिवानी, मैं जादुई साड़ी हूँ और मुझे जादुई पेड़ ने तुम्हें दिया है। अब तुम गरीब नहीं रहोगी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो, बस जल्दी से मुझे पहन लो। ये सुनकर शिवानी और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जल्दी से शिवानी उस जादुई साड़ी को पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, हमें एक सुंदर सा घर दे दो जिसमें मैं और मेरा भाई सुकून से और आराम से रह सके। शिवानी के इतना कहते ही जादुई साड़ी अपना कमाल दिखाती है और उसके छोटे से घर को एक आलीशान घर में बदल देती है। शिवानी के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है और वो अपने भाई के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और इस तरह उन सातों घमंडी बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से
वो सभी बहनें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है।